कर लेते हैं, टाइम बहुत हो गया है अंधेरा। चलिए अभी हम आग जलाते हैं और खाना खुना बनाने का इंतज़ाम करते हैं। तो अभी हमें जंगल में जाना जाके लकड़ियाँ जितनी मिलती हैं तो लानी पड़ेगी, अब क्या करें। चलिए, क्योंकि आज हमारी फ़र्स्ट कैंपिंग है, मैं हूँ और मेरा ब्रदर है साथ में रजत। तो रजत, आप कुछ बोलना चाहोगे? बस मज़ा लेंगे आज रात को, मतलब आप मज़ा लेना चाहते हो कैंपिंग का। हाँ। तो इन्जॉय करना चाहते हो? हाँ। तो चलिए फिर एंजॉय करते हैं और लकड़ियाँ लाते हैं, आप भी हमारे साथ साथ एंजॉय कीजिए कैंपिंग का। तो चलिए रास्ता आ रहा है, अभी हम लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। तो क्योंकि हमें लकड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रात को, अगर आपके पास आग है, आप आग जला रहे हो तो आग से जो जंगली जानवर हैं वो आपके नियर बाई कैंप के नज़दीक नहीं आएंगे, क्योंकि आग से जानवर डरते हैं। तो इसीलिए आग जलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खाना भी बनाना है। तो देखते हैं, लकड़ियाँ अभी हमारे पास इतने ही हुई हैं, तो चलो देखते हैं अभी। और इस साइड भी देख लेंगे आप, ये जंगल है सारा। वो जितनी भी आपके पास लकड़ियाँ हैं, जितना जल्दी हो सके अपने पास लकड़ियाँ इकट्ठी कर लें, क्योंकि बाद में आधी रात, मैंने कई बार देखा है कैंपिंग करते हुए
जो कई यूट्यूबर हैं जो कैंपिंग करते हैं और रात को 12 एक बजे लकड़ी लाने जाते हैं, तो वो चीज़ गलत है। जैसे आप पहले कैंपिंग का सेटअप कर लेते हैं, तो उससे पहले आप कैंपिंग सेटअप करने के बाद आप सबसे पहले लकड़ियाँ ढूंढने का काम कीजिए। जितनी ज़्यादा लकड़ियाँ हो सके उतनी ज़्यादा लकड़ियाँ अपने पास इकट्ठी कर लीजिए, ताकि रात को ऐसी दिक्कत ना आए कि आप आधी रात को उड़ के लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, और रात को आपको कहीं सूखी लकड़ी ऐसे मिलेगी नहीं। तो इससे पहले कि आप पहले ही ढूंढ लें लकड़ियाँ, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अभी हम वही कर रहे हैं, लकड़ियाँ ढूंढने वाला काम। हाँ, यहाँ पे है कि भालू का डर तो नहीं है, लेकिन लेपर्ड का डर जरूर रहता है, कभी कभार लेपर्ड आ जाते हैं। तो इसी चक्कर में हम भी हैं कि लकड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी कर लें। अभी हमने लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं, वैसे तो काफ़ी है, बट फिर भी हमें और ढूंढनी पड़ेगी। अभी हम रात को पेड़ पे भी नहीं चढ़ सकते सूखी लकड़ी तोड़ने के लिए, तो इससे बढ़िया है कि जो भी लकड़ी हमारे पास नीचे मिल रही हैं वो उठाते जा रहे हैं। और हाँ गाइस, एक बात का जरूर ध्यान रखना कि मैंने ये बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को देखा है जो कैंपिंग करते हैं और जो नियर बाय रिवर के साथ में कैंपिंग करते हैं, तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप कभी भी रिवर के नियर बाय रिवर, जहाँ भी रिवर हो उसके साथ आपको कभी कैंपिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि सुबह के टाइम सभी जो भी जंगली जानवर होते हैं सुबह के टाइम सभी रिवर के पास आते हैं पानी पीने के लिए, तो आप कोशिश कीजिए कि रिवर से कम ज़्यादा नहीं तो 30-40 फुट दूर अपने कैंपिंग कीजिए, तो आपको भी ख़तरा नहीं होगा। तो चलिए, आप इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा नॉलेज है तो ठीक है, बट मैंने आपको जो मेरे को नॉलेज है थोड़ी बहुत वो मैंने आपको आपसे शेयर कर दी कि कभी भी ऐसी गलती मत करना कि रिवर के साथ कभी भी अपन ज़िंदगी में कभी भी रिवर के साथ कैंपिंग मत कीजिए, क्योंकि जंगली जानवर हमेशा सुबह पानी पीने आते हैं रिवर के पास। तो बेटर है कि आप रिवर से 30-40 फुट दूर ही अपना कैंपिंग करें। तो अभी हम बॉनफायर आग जला रहे हैं, उसके बाद हम खाना बनाएंगे। आज हम रजत क्या बना रहे हैं? मटर पनीर। तू बनाएगा? मेरे को आता नहीं अभी। और ये देखिए मेरा भाई है साथ में, इसने कैमरा पकड़ा हुआ है, ये है, तो ये कैमरामैन बना हुआ है और काम कुछ नहीं कर रहा है, काम चोर। लकड़ियाँ ढूंढ ली हमने, अब हम खाना बनाएंगे। अभी हम बॉनफायर करेंगे, यहाँ ठीक है, यहाँ जलाते हैं। कहाँ है वो यार, इसको दे, ऐसे टॉर्च पकड़ जा रहा है यार। जितना जल्दी हो सके आप आग जला लीजिए, और हम आज खाना भी यहीं चूल्हे आग पे ही बनाएंगे, क्योंकि मैंने एक्चुअली स्टोव तो मंगवा दिया था, 2-3 दिन हो गए स्टोव को, गैस स्टोव को आए हुए छोटे वाले को, बट उसके मैंने जो सिलेंडर है वो उसका ध्यान नहीं रहा मेरे को मंगवाने का, तो इसलिए मैंने अभी ऑर्डर किया हुआ है, तो वो 2-3 दिन में आएंगे। तब तक हम आग से ही काम करेंगे, 2-3 दिन कैंपिंग करेंगे तो आग से ही काम चलाना पड़ेगा। और अगर आपके पास गैस है, फिर भी गैस सिलेंडर है, तो आप प्लीज़ आग जरूर जलाइए, क्योंकि बोन फायर जंगल में कैंपिंग कर रहे हो तो बोन फायर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए आपको आग जलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ऐसे सूखी, अगर आपके पास कागज़ वगैरह कुछ भी नहीं आग जलाने के लिए, तो आप ऐसी सूखी घास इकट्ठी कर लीजिए जो हमने पहले ही कर ली थी। तो अभी हम आग जला रहे हैं, और घास ये है कि घास जल्दी आग पकड़ लेती है, और थोड़ी थोड़ी ऐसी हल्की हल्की लकड़ियाँ आप डाल दीजिए ताकि आग हाँ देखिए फ्रेंड्स की आग जल चुकी है। तो अभी हम आग हमारी जल चुकी है, अब हम खाना बनाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि विंटर सीज़न है तो फॉग भी काफ़ी ज़्यादा अब आ रही है,
तो अब थोड़ी ठंड भी लगने शुरू हो गई है। ये देखिए हमारे रस्त भाई पनीर काट रहे हैं। इन्होंने कहा कि पनीर मैंने काटना, ठीक है आप काटो, तो ये काट रहे हैं। इधर तो देख रजत। हाँ तो दोस्तों इसो फिर रजत कैसा फील कर रहा है कैंपिंग में फर्स्ट टाइम? बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि एडवेंचर हो तो मज़ा ज़्यादा आता है, इंजॉय ज़्यादा होता है। दोस्तों बाकी हमने अभी मटर छील लिए हैं, पनीर और पनीर काट रहे हैं। आप थोड़ा सा खा भी सकते हैं अगर आपको भूख लगी हो, खा सकते हैं। हाँ रस की तरह तो बंद खा सकते हैं पनीर को, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्जी बनाने की जरूरत नहीं है अगर पनीर से ऐसे पेट भर जाए तो। कच्चा भी खा सकते हैं नमक डाल के। ठीक है तड़का लगा रहे हैं, हमारा ये सामान रेडी हो गया है। रस्त भाई आपको दिखा रहे हैं ये पनीर, ये प्याज, ये टमाटर और ये मटर और ये तेल। अभी हम कुकर गर्म हो चुका है तो हम अभी क्या गिर गया इसमें, नाइट कैंपिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। वैसे ठंड भी काफ़ी हो रही है तो हम चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी से हमारा खाना बन जाए। हम थोड़ा लेट हो गए थे घर से आते आते। अबे खुल यार, कहाँ से खुलेगा ये? ऊपर लटकने यहाँ से। अभी हम बना रहे हैं खाना। सो गाइस कैंपिंग करने का मज़ा है, नाइट कैंपिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। वैसे तो कैंपिंग आप दिन में भी कर सकते हो, नाइट में भी कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी कर दिया है ये पुराना प्याज। बाकी और अभी हम डालेंगे इसमें जीरा। हम घर से लाए थे, डब्बे थे नहीं उस वक्त अवेलेबल, तो हम अखबारों में ही थोड़ा थोड़ा करके सारा मसाला वगैरह जो भी है तड़के का वो सारे हम इनमें ले आए हैं, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके। तो ऐसा ही है, ये इंडियन लोगों का जुगाड़ होता है और कुछ नहीं। ये देखिए गाइस, ये मेथी है, ये गर्म मसाला है और ये नमक है और ये जीरा है शायद। हाँ ये जीरा और धनिया है पीसा हुआ, धनिया पीसा हुआ है, जीरा साबुत है और ये हल्दी है। तो हम खाना खा रहे हैं, खाना हमारा तैयार है, बर्तन भी डल चुके हैं, तो अब हम खाना स्टार्ट करते हैं। बाकी अब रस्त भाई बताएंगे खाना कैसा बना है कैसा नहीं बना है, जैसा भी होगा अब खाना तो है ही। तो रस्त भाई दोस्तों स्टार्ट करते हैं, करते हैं जरा भाई। मज़ा आ गया, लिटरली बोल रहा हूँ मज़ा आ गया। तो चलिए गाइस अब हम खाना का खाना खाने का एंजॉय करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो सुबह हो चुकी है और ये सनराइज़ हो रहा है, आप देख सकते हैं थोड़ा पेड़ों के पीछे है, पेड़ के वजह से दिखाई नहीं दे रहा होगा प्रॉपर, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो दिखा दे रहा है सनराइज़ हो रहा है सुबह के टाइम। सो ये सनराइज़ का नज़ारा है यहाँ से, जो काम कर रात को काम कर गया इतने धुंध में। और ये देखिए यहाँ पाला पड़ा हुआ है, जैसे कि बर्फ़ लग रही होनी। ये देखिए यहाँ कितना कोहरा पड़ा हुआ है और ये देखिए
भी टेंट के ऊपर भी है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हल्का हल्का है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इसमें है कि ठंड नहीं आई है अंदर, तो नींद भी अच्छी आई है, तो कोई इशू नहीं है। अब हम चाय बना रहे हैं, ये यहाँ पे हमारी चाय बन रही है, अब चाय पीते हैं और मज़े लेते हैं चाय के। ये हमारी चाय बन रही है, जो कि मैंने अभी आग जलाई थी, पहले मैं क्या आग जला लेते हैं, तो अब चाय बन रही है, तो चाय का मज़ा लेते हैं सुबह सुबह। तो ये हमारी चाय बन ऑलमोस्ट बन गई है, थोड़ा उबाल रहे हैं चाय को, तो अभी हम चाय पीते हैं। सो फाइनली गाइस, हमारी चाय बन गई है, तो अभी हम इंजॉय कर रहे हैं चाय पीने का, तो चलिए आप भी इंजॉय कर लीजिए चाय पीने का मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग के साथ। तो ठीक है गाइस, अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी कैंपिंग तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए, और हम आपके लिए डेली ऐसी कैंपिंग की वीडियो डालते रहेंगे। सो ठीक है, आज हमारी फर्स्ट कैंपिंग थी, तो रात को इतना दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ आपसे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो लेट्स एन्जॉय द वीडियो एंड एन्जॉय द टी चाय। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, बाय।